काफ़ी मरीज हमसे पूछते हैं कि जब हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे होते हैं, एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी कर रहे होते हैं स्पाइन में, तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ये सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को लिटा देते हैं, उसके बाद लेवल देखते हैं। सपोजिंग L4 L5 की हमें डिस्क सर्जरी करनी है। लेवल मार्क करने के बाद हम स्किन पे एक छोटा सा इंसीजन देते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम का रहता है, नॉर्मली 8 मिलीमीटर के करीब का। एक बार जब हम वो इंसीजन दे देते हैं तो हम एक लेवल मार्क करते हैं इस तरह के डायलेटर से। हम इससे लेवल मार्क करते हैं कि हमारी जो सर्जरी हो रही है क्या वो सही जगह पे हो रही है, और इस तरह से एक डायलेटर होता है जिससे कि हम मसल्स को हटाते हैं। इसी डायलेटर के ऊपर से फिर हम इस तरह से ट्यूब्स पास कर देते हैं। तो इन ट्यूब्स को पास करके हम उस एरिया को डायलेट करते जाते हैं और एक रास्ता बना लेते हैं, एक सुरंग जैसी बना लेते हैं मसल्स को काटे बिना। तो हम एक रास्ता बना लेते हैं छोटे से एक स्किन इंसीजन से, और उसके बाद इस तरह से ट्यूब्स डाल डाल के हम उस जगह को बड़ा कर लेते हैं। फाइनली हम उसमें फिर इस तरह का स्कोप डालते हैं। ये स्कोप जो है नॉर्मली 7 या 8 mm के करीब का होता है। इसी स्कोप को हम अंदर डाल के इससे हम टीवी में देखते रहते हैं, हमको दिखता रहता है कि क्या चल रहा है सर्जरी में, हम कहाँ पहुँच गए हैं, बोन के पास हैं या फिर नर्व के पास हैं। तो स्कोप से हम सब कुछ देखते रहते हैं। ये स्कोप देखने में बहुत पतला होता है, लेकिन जब हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो इमेज हमें अच्छी मैग्नीफाइड दिख रही होती है। स्कोप से जब हम अंदर जाते हैं उसके बाद अगर हमें हड्डी काटने की ज़रूरत होती है या कोई ब्लीडिंग हो रही हो अगर वहाँ पर ब्लड वेसल से, तो हम इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और इससे जो है हम उस ब्लीडिंग को रोक लेते हैं। फिर हम और अंदर जैसे अगर जाते हैं, हमको हड्डी अगर बीच में आ रही होती है, अगर हमको हड्डी को थोड़ा सा छीलने की ज़रूरत है तो हम उसको छीलने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं जिसको हम बर कहते हैं। नॉर्मली हम इसमें हड्डी काटते नहीं हैं, हमें हड्डी काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत अगर साइड से हमको छीलने की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है हम छीलें, और उसके लिए इस तरह का एक बर होता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो कि ऐसे गोल गोल घूमता है, और जब ये घूमता है तो फिर हड्डी को काटता है। जब हम फाइनली नस को देख लेते हैं, हड्डी को काट देते हैं, नस के ऊपर जो लिगामेंटम फ्लेवम रहता है उसको हटा देते हैं, उसके बाद हम नस को या नर्व को इस तरह का एक हुक होता है उससे एक साइड में करते हैं, और ये देखते हैं कि डिस्क का टुकड़ा कहाँ फंसा हुआ है। फाइनली जब हम डिस्क का टुकड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम नर्व को प्रोटेक्ट करके एक तरफ से हटा दें और फिर हम डिस्क में एंटर करें ताकि नस को किसी भी तरह की चोट लगने का कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद फाइनली अगर हमको यह है कि डिस्क भी मिल गई है, नस भी प्रोटेक्ट हो गई है, तो हम इस तरह की फोर्सेप्स रहती है, इससे हम उस डिस्क के टुकड़े को पकड़ लेते हैं जो कि नस को दबा रही होती है, उस डिस्क को हटा देते हैं। और यह सारा का सारा प्रोसीजर एक बहुत ही छोटे चीरे से होता है जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, मतलब मेरे नाखून से भी छोटा होता है। तो जब इस तरह से हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो ये सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं। इनके सिवा और भी कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमको अलग अलग स्टेप्स पे ज़रूरत इनकी पड़ सकती है, बट नॉर्मली ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्हीं से हम एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी करते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम, सियाटिका या स्लिप डिस्क के लिए। थैंक यू।